हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बोर्ड के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब हम तैयार हैं डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी को पार करने के लिए। और डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी है नीट 2019। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस बार पहली बार नीट का जो एग्जाम है वो NTA ऑर्गेनाइज करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इस एजेंसी ने जो फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट करवाया है वो है IIT JEE मेंस का। ठीक है, तो जेई मेंस के एग्जाम के बेसिस पर और NTA के चेयरमैन ने जो रिसेंट इंटरव्यूज दिए हैं उनके बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, हम कुछ हिंट्स ड्रॉ कर सकते हैं कि नीट 2019 का जो पेपर है वो कैसा होने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स पे से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि हम 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें फिजिक्स के अंदर इन 40 डेज की प्रिपरेशन के बेसिस पर। तो इन सारी बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे से इस वीडियो में, मैं वन बाय वन आपको इन सारी की सारी चीजों के बारे में बताता रहूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि नीट 2019 के लिए जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो इन दो कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। एक तरफ स्टूडेंट ए होगा जो कह रहा होगा कि सर आई हैव प्रिपेयर्ड वेल थ्रू आउट द ईयर फॉर नीट, मतलब मैंने साल भर कोचिंग करी है, खूब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, बहुत सारा सिलेबस कवर किया है, बट एट द लास्ट मोमेंट आई डोंट नो व्हाट टू रिवाइज। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि इतना कुछ पढ़ लिया कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, मुझे कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ज्यादा स्ट्रेस्ड तरीके से रिवाइज करना चाहिए एंड हाउ टू रिवाइज। और अगर मुझे पता भी है, जैसे हर कोचिंग से इस तरीके का मटेरियल दिया जाता है, रैंक बूस्टर, पता नहीं क्या क्या, कि आप लास्ट मोमेंट पर इन सबको प्रिपेयर कर लो, पढ़ लो, लेकिन वो मटेरियल भी बहुत ज्यादा होता है, तो आप स्टिल कंफ्यूज रहते हो कि मुझे क्या क्या रिवाइज करना है और कैसे रिवाइज करना है, इवन दो मटेरियल जो मेरे पास है उसको मुझे किस तरीके से फॉलो करना है। वहीं दूसरे एंड पर एक स्टूडेंट बी होगा, इसका जो डाउट है वो और भी इंटरेस्टिंग है। ये मुझे कह रहा है कि सर आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर बोर्ड्स, मुझे बोर्ड के शुरुआत में किसी ने कह दिया था कि बेटा पहले बोर्ड की तैयारी कर लो, ट्वेल्थ में अच्छे परसेंटेज बना लो, बाद में बनते रहना डॉक्टर वगैरह। तो मैंने साल भर के लिए सर बोर्ड्स के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, टेक्स्ट बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है मैंने, और बहुत अच्छे मार्क्स मेरे बोर्ड के अंदर आने वाले भी हैं। ठीक है, बट इस स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है, क्योंकि अदर स्टूडेंट्स को इसने कोचिंग वगैरह जाते हुए देखा है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि सर एम आई स्टिल इन रेस फॉर नीट 2019, मतलब इसको डाउट है कि सर क्या नीट के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं, क्या मैंने जो बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करी है, टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा है, क्या उसके बेसिस पे मैं भी रेस के अंदर हूं नीट 2019 के लिए। तो मैंने जैसा लिखा हुआ है, देयर इज अ गुड न्यूज, और ये गुड न्यूज मेरी तरफ से नहीं है, खुद नीट सॉरी NTA के चेयरमैन की तरफ से है। तो इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी में मैं वो न्यूज आपसे शेयर करने वाला हूं, और अभी के लिए मैं आपको जस्ट केवल इतना कह सकता हूं कि स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, अगर नीट 2019 की रेस हम कंसिडर करें तो ये दोनों ही तरीके के स्टूडेंट एग्जैक्टली सेम लेवल पर स्टैंड करते हैं, यानी कि आप दोनों में से किसी को भी नहीं कह सकते कि सर ये वाला स्टूडेंट आगे चल रहा है, दोनों अभी इस लेवल पर सेम लेवल पर स्टैंड करते हैं। ठीक है ना, क्यों करते हैं इसके बारे में जानते हैं हम आगे, लेकिन इससे पहले अपन थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं नीट के लिए कि मतलब सर नीट के अंदर जो 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खासकर फिजिक्स के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के लिए फिजिक्स ही सबसे मेन हर्डल होता है नीट के लिए, तो सर वो जो 45 क्वेश्चंस होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग अगर फिजिक्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का नेचर जानना चाहते हैं तो हम लोगों को एनालाइज करना होगा प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को। तो यार मैंने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि आप ब्रॉडली तीन कैटेगरीज के अंदर क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हो, और किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, तो आप देखोगे कि जो सबसे पहली कैटेगरी है, 45 क्वेश्चंस आते हैं, आप देखोगे कि कुछ 25 के अराउंड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिंगल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आप पूछोगे सर ये सिंगल कंसेप्ट बेस्ड क्या हुआ, तो ध्यान रखना आप जब किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो उस टॉपिक के बारे में आप जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ते हो, केवल उस इंफॉर्मेशन और उन्हीं फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनको मैंने नाम दिया है सिंगल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि अगर आप जब सपोज करो प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें केवल और केवल प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट और उसी के फॉर्मूलाज यूज होंगे, अदर किसी टॉपिक से उसका कोई लिंक नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन 25 होते हैं। अब आपको पता पड़ ही गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन तो रिलेटिवली ईजी होते हैं, तो आप लोगों को क्यों नहीं दिख पाते क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूरे के पूरे पेपर में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
भाई इतनी बड़ी एजेंसी करवा रही है एग्जाम को, तो ऐसे हलवे की तरह तो बताएगी नहीं कि कौन से 25 क्वेश्चंस जो है वो इजी हैं। तो आप जब पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बनाओ, तो आपको इस तरीके की स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि आप इन 25 क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज कर सको। इस स्ट्रेटेजी के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं आगे के वीडियोज में। खैर, 15 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, अराउंड 15 क्वेश्चंस जो है वो मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आप के जो कंसेप्ट्स हैं, एक चैप्टर से कोई कंसेप्ट उठा लिया गया है और दूसरे चैप्टर से कोई सिचुएशन उठा ली गई है, और इनको मर्ज करके क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे हो सकता है कि सर्कुलर मोशन, जो कि मोशन इन अ प्लेन वाले चैप्टर का एग्जाम्पल है, वहां से उठा के और मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज के ऊपर जो लगता है, इन दोनों कंसेप्ट को मिला के कोई क्वेश्चन बना दिया जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसकी वजह से चार्ज का जो पाथ होता है वो भी कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें दो अलग अलग चैप्टर, दो अलग अलग टॉपिक से कंसेप्ट उठाए जाते हैं, उनको मर्ज किया जाता है और फिर एक सिचुएशन तैयार करी जाती है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी रिलेटिवली इजी होते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो किन किन टॉपिक्स में से पूछे जा सकते हैं और उनके बीच का आपस का इंटर रिलेशन कैसा है। अगर आपको ये पता है तो ये जो 15 क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके लिए। तो आप देखोगे कि आप अगर बहुत स्ट्रेटेजिकली तैयारी करो फिजिक्स की, तो आप 40 क्वेश्चंस टारगेट कर सकते हो। सोचो यार, 40 में से अगर आपके 30-32 क्वेश्चन, अराउंड 30-35 क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं, तो आप आसानी से 120+ स्कोर कर सकते हो। खैर, बात करें रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड तो होते ही हैं, एक से ज्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे, साथ ही साथ में जो सिचुएशन दी होगी उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की टेक्निक्स भी यूज करनी पड़ेगी। तो आपको जस्ट केवल नेचर से पता पड़ गया होगा कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, और इन क्वेश्चन को केवल और केवल पेपर में इसलिए डाला जाता है कि एक स्मार्ट स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को पहचान सके और इनको छोड़ सके। ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस को आप छोड़ देते हो तो आपका टाइम बचता है। इन क्वेश्चंस को छोड़ने से आपको पता है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस के ऊपर अटेंशन अपना डाल सकते हो और इन क्वेश्चंस को रिलेटिवली आसानी से कर सकते हो। और ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है एग्जाम में कि इन 5 क्वेश्चंस में से भी 2-3 तो आप कर ही लोगे। तो ध्यान रखना यार, नीट का जो एग्जाम है वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज से ज्यादा कॉन्फिडेंस का एग्जाम है। तो अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है नीट के एग्जाम के दिन, तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें इन 25 क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज कर सको, इन 50 क्वेश्चंस को तुम टारगेट कर सको। और इसके लिए आपको चाहिए कि यार हमें कोई ऐसा कंसाइज मटेरियल प्रोवाइड करा दे, कुछ ऐसी लिस्ट हमें प्रोवाइड करा दे सेलेक्टेड टॉपिक्स की, जिनके ऊपर से मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये 40 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो मैं ऐसी ही लिस्ट लेकर आने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, और उस वीडियो को देखने के लिए, उस लिस्ट को पाने के लिए आप जुड़े रहिए मुझसे इस चैनल के ऊपर। अब आप पूछेंगे सर कि स्ट्रेटेजी तो ठीक है, और आप हमें बताने भी वाले हो डिटेल के अंदर कि नेक्स्ट वीडियो में कि हमें किस तरीके के टॉपिक्स को कवर करना चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लेकिन आप जो शुरू में बोल रहे थे गुड न्यूज, वो क्या है तो मैं बताना चाहता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि एनटीए के जो चेयरमैन है मिस्टर विनीत जोशी, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था रिसेंटली, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रेस्ड किया था इस पॉइंट के ऊपर कि आपका जो पेपर होगा इस बार का वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। यानी कि पहली बार जो एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है उसने सिलेबस का दायरा डिफाइन किया है। इससे पहले क्या होता था कि आपके लिए पढ़ने के लिए तमाम तरीके के मटेरियल अवेलेबल हुआ करते थे, और स्टूडेंट आखिरी मोमेंट तक कंफ्यूज रहता था कि पेपर के अंदर आखिर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस बुक से, किस तरीके की बुक से आने वाले हैं। लेकिन इस बार पहली बार आपको ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आपका जो पेपर होगा वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को एडवाइस दी है उन्होंने कि यार आपको थरोली पढ़नी है एनसीईआरटी, और मॉक टेस्ट मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चन, जितने ज्यादा टेस्ट आप दे सकते हो उतने आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यार अगर आप इन सारी की सारी बातों को ध्यान में रखो तो आपने 3 चीजें पॉइंट आउट करी होंगी। पहली कि आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, उनकी लिस्ट आपको चाहिए।
ठीक है। दूसरा, आपको हर टॉपिक के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ऐसे सैंपल क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए। और तीसरा कि जब आप इस तरीके की प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 40 डेज बचे हुए हैं, तो आप हर दिन का अगर एक टॉपिक भी मानते हो और 40 सेलेक्टेड टॉपिक्स लेकर भी आप तैयारी करते हो, तो आप जब इस तरीके के क्वेश्चंस करोगे तो उसके बाद में कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आपको खूब सारे जो सैंपल टेस्ट है वो देने की जरूरत पड़ेगी। तो इन तीनों ही पॉइंट्स पर आपकी हेल्प करने के लिए एक ऐप हमने लॉन्च करी है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस ऐप पर आपको रेगुलर स्ट्रेटेजिक वीडियोस मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में। आपको उन 40 टॉपिक्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी हर सब्जेक्ट के, जिन पे से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है। और साथ ही साथ में उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मिलेगी और उनका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, जिनके ऊपर से इस बार प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चंस के आने की नीट 2019 के अंदर। तो मेरी बेस्ट विशेस के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और कमेंट में लिखिए कि आपको और किस तरीके की और कैसी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है नीट 2019 के लिए। एंड माय नेम इज सुभाष एंड आई विल बी देयर फॉर हेल्पिंग यू। थैंक यू।